ओ बॉय, टू 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 सैंडी, सैंड में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो इतना लंबा चढ़ेगा क्या? ट्राई नहीं कर, लेट्स ट्राई ना, हिमालयन बॉय। चलो रखा खसो, सो हिमालयन 450। काफ़ी टाइम हो चुका है इस बाइक को लॉन्च हुए और काफ़ी सारे लोगों ने चला भी लिया है। सो आज मेरे पास आ चुका है ये बाइक और आज का पूरा वीडियो इस बाइक पे होने वाला है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या ये बाइक परचेस करने लायक है या नहीं, क्या क्वालिटीज़ है इसमें, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। सो इन डेप्थ रिव्यू होने वाला है ये वीडियो में। और काफ़ी ज़्यादा राइड किया है हमने, काफ़ी अलग अलग वेरियस लोकेशंस पे हमने इसको ट्राई किया हुआ है, तो वो भी पता चलेगा कि राइड करने में भी कितना कंफर्टेबल है और ये बाइक आइडियल है या नहीं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द अमेजिंग मोटरसाइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड यस, आगे आपने देख लिया है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिमालयन, की हिमालयन कितना वर्थ मोटरसाइकिल है। सो चलिए फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट यू विल गेट दिस अमेजिंग राउंड शेप जो कि ओल्ड हिमालयन में थी, उसी टाइप की एक हेडलाइट मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी है। इसको एक बार चालू करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। So this is kind of a light you will get in this amazing motorcycle। और अगर उसके नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे साइड लाइट्स भी काफ़ी अच्छी है और वो भी LED सेटअप है, पूरा का पूरा आगे का LED सेटअप होने वाला है। एंड यू विल गेट दी अमेजिंग शोवा USB सस्पेंशन इन इट जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉल है, तो आपको ऑफ रोडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड दी कवर जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो यू विल गेट दिस अमेजिंग 21 inch व्हील्स जो कि अगेन ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल माना जाता है। 21 inch सीएट के टायर्स अभी 1990-21। एंड यू विल गेट दिस बेबरी डिस्क ब्रेक्स जो कि ऑल्सो काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड है। अभी इस तरफ एक बार इंजन की तरफ आए तो या सो दिस इज़ द न्यू इंजन ऑफ रॉयल एनफील्ड, दे कॉल्ड इट LS1। एंड दिस इज़ द 452 cc टू बी प्रिसाइज एंड 450 cc इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 40 bhp पावर, उसके साथ साथ 30 का माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है चलाने के बाद। राइडर अगर कोई है जो ये वाला हिमालयन यूज़ करता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि एक्चुअल में आपको ये कितना माइलेज देता है। सो स्पीकिंग ऑफ द माइलेज, लेट्स टॉक अबाउट द अमेजिंग टैंक जो कि दिखने में फोटोज़ में वगैरह में काफ़ी छोटू सा लगता है देन दी ओल्डर हिमालयन, बट इट इज़ अ वेरी बिग टैंक। इट इज़ अ 17 liters ऑफ टैंक जो कि आपको हाईवे पे टूरिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा करवाने वाला है। और इस बाइक की एक और ख़ास चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है इसका रियर सस्पेंशन जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऑफ रोडिंग कंडीशंस में आपको ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल और काफ़ी ज़्यादा स्मूदनेस ये देने वाला है। एंड रियर ऑल्सो यू विल गेट दिस अमेजिंग बेबरी डिस्क जो कि सिंगल सिलेंडर है, फ्रंट में ड्यूअल सिलेंडर है। एंड यस, दिस इज द ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल जो कि आइडियल है। और ये इसका जो ABS है वो भी स्विचेबल है, तो आप ABS ऑफ भी कर सकते हो, वो हम थोड़ी देर में आगे देख लेंगे। सो अगर एसेसरीज की बात करें तो राइट नाउ इस बाइक पे कोई भी एसेसरीज नहीं है, कम्प्लीटली स्टॉक बाइक है। अगर आप एक ये बाइक परचेस करते हो तो आपको यही बाइक मिलने वाला है। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बाइक के रियर पार्ट पे, यानी कि पीछे के पार्ट पे। सो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी लाइट्स क्या है, वेर इज़ दी टेल लाइट्स। यस, लेट मी शो यू। सो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी अच्छी कारीगरी दिखाई है। सो साइड लाइट के अंदर ही आपको ब्रेक लाइट्स यहाँ पर मिलने वाली है, एज यू कैन सी। सो या, दिस इज़ दी ब्रेक लाइट्स। और अगर मैं साइड लाइट्स चालू करूँ तो हियर इट इज़।
So now let's check out the console and the switches of this amazing motorcycle. So yes, यहाँ पर already हम आपको दिखा चुके हैं कुछ इस तरह की आपको मिलने वाली है. And yes, you can see the Showa badge here. So Showa का जो आपको front exhaust, front suspension जो मिल रहा है. So ये रहा ये Showa. और यहाँ पे key डाल देते. And now check out these switches of this motorcycle. So काफ़ी ज़्यादा premium है. ये मोड के लिए है, ये आपका इंजन किल स्विच एंड ऑन के लिए. और यहाँ पर पीछे छोटू सा आपको पासिंग स्विच मिलता है. अब इस तरफ आ जाता है और हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा वाइड है. वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे आपका होम बटन पीछे की साइड पे छुपा हुआ है. इसके अलावा ये पासिंग स्विच है. ऑल्दो इस टाइप की पासिंग स्विच मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे चाहिए बटन वाला. और यस, दिस इज़ द साइड लाइट. एंड ये है आपका जॉयस्टिक जो कि मीटर कंसोल आपको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा. एंड यस, दिस इज़ द हॉर्न. तो चलिए एक बार इंजन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कंसोल में क्या जादूगरी यहाँ पर मिलने वाली. सो यार, कुछ इस तरह का आपको कंसोल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है. और यहाँ पर ये आप चेंज भी कर सकते हो. और ये अब भी ऑटोमेटिकली ऑटो डीमिंग पे चला गया है. और ये मैंने कंसोल चेंज कर दिया है एनालॉग से डिजिटल पे. अभी जैसे ही बाइक चालू होगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा. सो यहाँ पे बाइक मोड्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो. ABS ऑन ऑफ भी यहाँ से हो जाएगा. इसके अलावा जॉयस्टिक भी आपको मिलेगा. ओके, सो कुछ और खास चीज़ें हैं इस बाइक में जो कि मैं खास मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे. एंड द फर्स्ट थिंग इज़ दी सीट. सो सीट की जो हाइट है वो एडजस्टेबल है. लेट मी शो यू. सो यहाँ से आपको ये पीछे से निकालना है, उसके बाद आपको ये वाला सीट खोल देना है. सो एज यू कैन सी हियर इज़ द टू माउंट्स. सो ये अभी हाइएस्ट पे था. अब जैसे मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर ले लूँगा तो सीट हाइट कम हो जाएगी. नाउ लेट्स चेक आउट द एग्जॉस्ट नोट आउट द. सो दिस इज हाउ इट साउंड्स आइडियल पे. एंड नाउ लेट्स रेव इट लिटिल बिट. So yeah, this is how this motorcycle sounds. So guys, let's compare the height of this motorcycle. So we have Shivam here. Shivam, what's your height, bro? 6'1". ये साला मेरे से भी लंबा है. So उतार दे भाई, डबल स्टैंड से उतार दे. उतरेगा ही नहीं. Okay. So yes, Shivam is 6'1". Sorry, my bad. So Shivam is 6'1". And as you can see, कि हमने सीट हाइट को भी एकदम मिनिमम करके रखा हुआ है. एंड शिवम के पैर थोड़े से बैंड हो रहे हैं. सो या, दिस इज़ दी हाइट कंपेयर ऑफ फॉर यू. सो आपकी हाइट अगर इसके आसपास कुछ भी हो तो यू कैन जज इट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दी राइड क्वालिटी और कितना वर्थ है ये मोटरसाइकिल टू बाय राइड. ओके गाइस, सो वी आर ऑन द फ्रीकिंग हिमालयन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस अमेजिंग मोटरसाइकिल. सो राइट नाउ इट्स इन अ थर्ड गियर और मेरे को जैसे ही पैच मिलता है मैं फर्स्ट गियर में थोड़ा सा इसको रेव अप करने की कोशिश करूँगा. एंड इफ इट्स अबाउट दी राइड प्लेजर और दी राइड क्वालिटी. सो या, इट्स वेरी कंट्रोल्ड. सिटी में आपको ज़्यादा दिक्कत ट्रैफिक वगैरह में आनी तो नहीं चाहिए. So, yeah, that's the one amazing motorcycle for you. So yes, 50 पे gear shift हुआ है इसका. As you can see, 55 is the red line thing. और bike पे अगर मैं exhaust की बात करूँ तो it sounds good. Yeah, baby. और कुछ लोग बोलते हैं कि लोअर गियर हायर गियर में ये काफ़ी अच्छे से मैन्यूवर करता है, बट नो आई डोंट नो ये करता है. 6 गियर है और नहीं ले रहा ये. तो अगर मैं इसको स्टॉप करके करता हूँ तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ये मतलब उठेगा. इफ़ यू वांट तो आई कैन ट्राई इट फॉर यू. तो अभी ये स्पीड है 24 और मैं 6 गियर में डालता हूँ, नहीं जाएगा. जैसी इट स्टॉप राइट. तो या, तो 2 सेकेंड. और इसमें आपको बम्स वगैरह तो देखने ही नहीं है दोस्तों.
सो इस पे इसका मैन्यूवरिंग काफ़ी स्मूथ है, इट्स वेरी लाइट व्हाइल यू आर राइडिंग, काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी मज़ा सा आएगा आपको इसको चलाने में। है तो इतना लंबा चढ़ेगा क्या, ट्राई नहीं कर, लेट्स ट्राई ना, हिमालयन बॉय। चलो रखा कसो, so as you can see this is the real dead machine boy, तो ये काफी easy maneuvering machine है, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा इस पे ride करने में on a serious note। So yeah, that's the off-road shit. Let's see how it performs in off-roading environment. Not the exact off-road one, but yeah, थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी में अगर हम चलाए तो कैसे कंट्रोल में रहेगा। इसका गियर शिफ्टिंग मेरे को लगता है थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको थोड़ा सा, oh boy, it goes really well, you can see. And yes, the ABS is switchable. So, oh. So it takes time, bro, to understand the real shit. क्योंकि मेरे को तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि भाई ये हाथ में रहने वाली चीज़ है. It takes big time. Oh boy, it's too sandy. Sand में बिल्कुल भी control नहीं है. स्लो स्पीड पे आई गेस, क्योंकि बड़ा स्पीड पे तो फट जाएगी भाई। बाकी ओवरऑल इट्स गुड, समथिंग एक्चुअली। सो मुझे पर्सनली थोड़ा सा डर लगा ऑफ रोड करने में, बट पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मेरा अगर मैं ओपिनियन बताऊँ, तो अगर ये मोटरसाइकिल आपके पास एक वीक है और आपने ऑफ रोड पैचेस कुछ कवर कर लिए ना, तो ब्रो दिस इज दी वन इनसेन ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल, क्योंकि भाई आपको इसमें देखना ही नहीं है कि आप कहाँ पे चला रहे हो। और तो शायद मुझे लग रहा है कि टायर्स की वजह से शायद ये मिट्टी में थोड़ा सा स्किड हो रहा है और कंट्रोल के बाहर जा रहा है ड्यू टू इट्स हैवियर साइड, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है तो कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा इसको, मेरा यही मानना है। अदरवाइज दिस इज अगेन अ रियल ब्यूटीफुल मशीन एज आई मेंशन अर्लियर। सो ऑल एज ऑलवेज हमने इसको तीन तरीके से चलाया। फर्स्ट हमने इसको चलाया सिटी में, जो कि आप फुटेजेस देख रहे होंगे। सेकंड हमने थोड़ा बहुत ऑफ रोड करने की कोशिश की इस बाइक पे, और तीसरा हमने इसको हायर आरपीएम पे, हायर स्पीड पे चलाने की कोशिश की। सो ओवरऑल एक तरीके से कह सकते हो कि राइड टाइप सेटअप में हमने इसको चलाने की कोशिश की। तो ओवरऑल सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बाइक है, बट विद द अदर हैंड थोड़ा सा हैवी फील होगा आपको, जब चल रहा है तब नहीं, बट जब रुका है तब। तो ये थोड़ा सा हैवी है, 196 kg टोटल का वेट है इस बाइक का, सो थोड़ा सा हैवी फील आपको ये करवाने वाला है। उसके अलावा अगर राइड क्वालिटी की बात करें, तो यार दिस इज़ रियल स्मूथ मोटरसाइकिल इन सिटीज़। और अगर मैं इसको ऑफ रोडिंग में अगर बात करूँ, तो ऑफ रोडिंग में 40 bhp और फ्रंट में शो ऑफ सस्पेंशन, जो कि इतने टॉल है, और 21 mm का जो टायर मिल रहा है, उसकी वजह से जो इसका ऑफ रोडिंग में कम्फर्ट है और हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है। और पीछे के सस्पेंशन भी बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, आपको ज़्यादा अनकंट्रोल्ड फील नहीं करवाते इन ऑफ रोडिंग। सो ऑफ रोडिंग के लिए भी मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा आइडियल मोटरसाइकिल है। सिर्फ एक चीज़ की जो पुराने हिमालयन में दिक्कतें थी जो चीसी वगैरह में, ये इसमें नहीं हो, और जिस तरह की इसकी बिल्ड है चीसी की, लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। सो या दैट्स दी ओवरऑल राइड रिव्यू फ्रॉम माई साइड। और अगर मैं मेरा वर्डिक्ट दूँ अबाउट दिस मोटरसाइकिल कि ये बाइक करना चाहिए या नहीं, सो 2.5 से 3 lakh के बीच में ये बाइक आपको अहमदाबाद में एक शोरूम मिलने वाला है। एंड ऑप्शंस बहुत सारे हैं और बहुत कम भी है, अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि द प्राइस रेंज के हिसाब से जो ये बाइक देता है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब इस प्राइस में इस तरह की मोटरसाइकिल ज़्यादातर आपको इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी। सो यस, प्राइस इज़ दी विन गेम हियर। ऑल दो आई वुड सजेस्ट कि और थोड़ा रिसर्च करो अबाउट दी ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स एंड ऑल,
मे बी आपको और ऑप्शन ज़्यादा मिल सकते हैं, बढ़िया, इससे भी बेटर ऑप्शन, बढ़िया मेरे हिसाब से दिस इज़ दी अमेजिंग मोटरसाइकिल। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये बाइक पसंद आया होगा। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई फ्रेंड इस तरह की कोई मोटरसाइकिल बाय करने का प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उसको शेयर कीजिए। और भी अगर कुछ जानना है अबाउट दिस मोटरसाइकिल सो यू कैन कमेंट डाउन और डी एम यू ऑन इंस्टाग्राम, द बाइक ऑफ ब्रीड नीचे आ ही रहा होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।